हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? देखो मेरे प्यारे 11 12 क्लास के बच्चों, मैं आपको बताऊं, जिस स्टेज पे आप हो मैं भी कभी उस स्टेज पे था, और हर एक आदमी आज जो आपसे बड़ा है वो कभी ना कभी उस स्टेज पे था। मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं। जब हम पढ़ते हैं ना, इस टाइम पे जब ये एज हमारी जो होती है 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास की, बच्चे हमारे अंदर में, हमारे बॉडी के अंदर में बहुत हार्मोनल चेंज होते हैं, और उस चेंज के अंदर में हमारे माइंड जो है कई तरफ कई जगहों पे आपका डाइवर्ट होता है। ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है। और ये जो टाइम पीरियड होता है ना बच्चे, इस टाइम पीरियड में जो अच्छे बच्चे और बुरे बच्चे जो बनते हैं वहीं से उनकी शुरुआत होती है। जिस बच्चे ने अपने लाइफ को बोला कि ना मुझे इस तरीके से लेके जाना है, मुझे ये गोल पाना है, मुझे सक्सेस पाना है, मुझे घर बड़ा करना है, मुझे अपने मम्मी पापा को खुश रखना है, मुझे गाड़ी बड़ा करना है, मुझे बहुत सारे सपने पूरे करने हैं, उसके अंदर में पूरे जो आपके चेंजेज होते हैं वो अपने आप धीमे धीमे खत्म हो जाते हैं, अच्छाई की तरफ चला जाता है, वो अच्छा बनता है, सक्सेसफुल बनता है, उसको हम अच्छे बच्चे अच्छे सिटीजन कहते हैं आपके इंडिया और पूरे वर्ल्ड के अंदर में। लेकिन जो बच्चे इस स्टेज पे, जिनको बुरी बातें जो है, बुरी आदतें जो है, सिगरेट पीना, कुछ ऐसे काम करना, कुछ भी उल्टा सीधा काम करना उनको अच्छा लगना शुरू होता है, उनको थोड़ा अच्छा, ज्यादा अच्छा, ज्यादा अच्छा, फिर ये लाइन उनका अच्छा हो जाता है, फिर ये लाइन दब जाता है, और ऐसे लोग आपके समाज में बुरे बच्चों के नाम से जाने जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने बॉडी के अंदर में, अपने माइंड के अंदर में अच्छाई को बढ़ाने की कोशिश करें। जब ये बढ़ेगा ये अपने आप दब जाएगा, और फिर एक अच्छे इंसान बनके आप वो सारे चीज पाने की कैपेसिटी अपने अंदर क्रिएट कर सकते हो जो कि हम हर एक इंसान चाहता है अपने लाइफ में उसको पाने के लिए। इसलिए बच्चों, बुरी आदतों को, बुरे विचारों को, बुरे दिमाग में आने वाली कोई भी ऐसी शक्तियों को आप फेंको, उनको बढ़ने मत दो, उनको वहीं दबा दो, और अच्छाई जो है उसको बार बार अपने दिमाग में दोहराओ, एंजॉय करो इस चीज को। आप अच्छे बच्चे हो मुझे पता है, और अच्छे ही रहोगे, और लाइफ में जो भी चीज चाहते हो उसको पूरा करोगे। चलो बच्चे, ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो चीज मैं कभी सफर किया या मैंने जब बच्चों को देखा अपने साथ सफर करते हुए, वो आप सफर ना करें। और बिलीव कीजिए, एक बात और बताऊं, भले ही हम बुरी आदतों में जाते हैं, हमें वो बुरी चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन सामने वाला जो इंसान है ना, जो हमारा वो बुरा दोस्त नहीं है, कोई और की बात करता हूँ, वो किसी भी हालात में हमें या हमारी आदत को लाइक नहीं करता। इसलिए हम वो काम ही क्यों करें जहाँ पे मुझे परेशानी होगी, वो बुरी आदतें मैं क्यों पकड़ूं, मैं क्यों ना अच्छाई की तरफ भागूं। आप भी अच्छाई को अपने तरफ लेकर आए, आपके मम्मी पापा भाई बहन दोस्त जितने रिश्तेदार है, जितने रिलेटिव है, इवन आपके दुश्मन है, वो भी आपको प्रेज करेंगे, आज नहीं तो कल, लेकिन प्रेज जरूर करेंगे मेरे बच्चे। आप सबको ऑल द बेस्ट, आगे बढ़िए, लाइफ को आगे बढ़ाओ बच्चे। थैंक यू जी। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप? देखो, आपके प्रोफेशनल लाइफ को प्रॉपर तरीके से सक्सेस के पाथ पे लाने के लिए हम लोगों ने आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हैं, CA CMA CS, और आपके जो स्कूल के बच्चे हैं उन सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे एक्सक्लूसिवली हम सिर्फ और सिर्फ आपके डिग्री से जुड़ी हुई बातों को डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे आपसे जुड़े हुए जो डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके डिफरेंट मॉक टेस्ट पेपर्स चैप्टर वाइज एंड फुल कोर्स वाइज हम आपसे शेयर करेंगे। साथ ही साथ हम उसका सजेस्टेड आंसर जो होगा वो भी आपसे शेयर करेंगे, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से अपना सेल्फ जजमेंट कर पाए कि अभी आपकी तैयारी किस लेवल पे है और कितनी करनी है। यही नहीं बच्चों, इंडस्ट्री में अगर एक अच्छा प्रोफेशनल जो जॉब पाता है उसके लिए कौन कौन से उसके अंदर में एट्रीब्यूट्स यानी कि क्वालिटीज होने चाहिए, हम उनके बारे में भी आपसे बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे। इंडस्ट्री में जो लोग प्लेस्ड हैं या जो प्लेस होने वाले हैं या जो अच्छे जगह पे अपनी रैंक लेकर आए, हम उनसे डिस्कशन करके उनके एक्सपीरियंस को भी आपके साथ शेयर करेंगे। इंडस्ट्री एक कौन कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर चाहती है एक अच्छे प्रोफेशनल बनने के बाद, हम स्टार्टिंग से नए तरीके से आपके साथ डिस्कशन करेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। बिलीव कीजिए, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें होंगी और किसी की बातें नहीं होंगी। तो अपने प्रोफेशन को आप वजन दीजिए, आप उसके तरफ में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़े,
लाइफ को सक्सेस की तरफ लेके चले, जल्दी से जल्दी सक्सेस को पाए और लाइफ को एक अच्छी जगह पे पहुंचाए, अपने सारे सपनों को पूरा करें। इसी मकसद से मेरे बच्चे मैंने और आपने दोनों ने मिलके कुछ मेहनत करना है, उन्हीं चीजों को इन ग्रुप में आपको बताया जाएगा। आप जुड़े हमारे साथ, बिलीव कीजिए सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ाई की बातें होंगी, अच्छी बातें होंगी और कोई फालतू डिस्कशन नहीं। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी।